नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न 11 जिलों की अट्ठावन सीटों पर 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण पंजाब उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार तेज प्रधानमंत्री की यूपी और उत्तराखंड में जनसभा हरिद्वार में राहुल गांधी की रैली मणिपुर में मतदान तारीखों में बदलाव लोकसभा में आम बजट पर बहस का वित्त मंत्री ने दिया जवाब कहा अमृत काल की दिशा में बढ़ने के सरकार ने उठाए कई कदम केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं आरबीआई ने की द्विमासिक नीति की घोषणा मौद्रिक नीति में नरम रुख से बाजार को मिली रफ्तार विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी सात दिन के होम आइसोलेशन और आठवें दिन जांच की अनिवार्यता खत्म कोविड 19 के मामले और संक्रमण दर में कमी और अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ग्यारह जिलों के अठावन विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुबह सात बजे शुरू हुई वोटिंग शाम बजे तक चली पहले चरण में साठ फीसदी से ज्यादा मतदान की खबर है ठंड की वजह से शुरू में मतदान की गति कुछ धीमी रही लेकिन दिन चढ़ने के साथ इसमें काफी तेजी आई ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा बुलंदशहर और बागपत के अलग अलग मतदान केंद्रों की जहां सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए महिलाओं ने भी बढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला वहीं आगरा मथुरा और मेरठ में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला धूप खिलने और मौसम बेहतर होने के बाद पोलिंग बूथ पर लाइन लंबी होती गई मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला वोट फॉर राइट थिंग मतलब आप सही चीज के लिए वोट करें जैसे आपको अपने प्रत्याशी के बारे में पता हो मथुरा के विकास के लिए वोट किया है मथुरा की बहबूदगी के लिए वोट किया है मथुरा की जनता को राहत देने के लिए वोट किया है मथुरा की जनता की उपलब्धता के लिए वोट किया है सिर्फ हमें एक ही कर्तव्य मिला है जो हमें निभाना है किसी भी कीमत पे हमें अपना वोट वेस्ट नहीं करना वोट डालना जरूरी है अपने उसके लिए मुल्क के लिए बस इसी वजह से पहले चरण के तहत राज्य के 11 जिलों की अट्ठावन विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं पहले चरण में शामली हापुड़ बुद्ध नगर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर नगर मेरठ बागपत गाजियाबाद बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा और आगरा जिलों में वोटिंग हुई इस चरण में प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा सुरेश राणा संदीप सिंह कपिल देव अग्रवाल अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले चरण की अट्ठावन सीटों में से तिरपन पर जीत हासिल की थी जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दो दो सीटें मिली थी राष्ट्रीय लोकदल का भी एक प्रत्याशी जीता था इधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित किया विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें केवल नेताओं के परिवार के विकास के लिए काम करती थी लेकिन योगी सरकार समाज के हर व्यक्ति के लाभ के लिए काम कर रही है वही उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य के लोगों से चार बड़े वादे किए राहुल गांधी ने चार लाख युवाओं को रोजगार देने न्याय योजना लागू करने के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का वादा किया अगर आपको दवाइयों की जरूरत होगी एम्बुलेंस की जरूरत होगी इलाज की जरूरत होगी उत्तराखंड की सरकार एम्बुलेंस और दवाइया और डॉक्टर आपके दरवाजे तक डायरेक्ट पहुंचा देगी आइए अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में संशोधन किया है पहले चरण का मतदान 27 फरवरी की बजाय 28 फरवरी को होगा दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है और अब ये भारतीय भी नहीं रही अब ये बस भाई बहन की पार्टी होकर रह गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि को एक लाख तक बढ़ाने का वादा किया है साथ ही एक हजार करोड़ रुपए की लागत से बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा भी की है उन्होंने कहा है कि तीन और महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी साथ ही महिला सुरक्षा के लिए तीन पिंक पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में रोड शो कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि जनता को उनको वोट देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैतीस और उम्मीदवार घोषित किए हैं जिनमें पंद्रह महिलाएं शामिल हैं पार्टी ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्थानीय नेता चेतना पांडे को उम्मीदवार बनाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान जीत का दावा किया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन का विकास बोल रहा है जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी प्रदेश में साठ का आंकड़ा पार करने जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में एक जनसभा को संबोधित किया इसमें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे अमित शाह ने कहा कि अगले पांच साल गोवा वासियों के लिए समृद्धि स्थिरता और विकास के होंगे और ये काम केवल बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 23 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2020 और 21 के बीच देश में 44 यूनिकॉर्न की पहचान की गई है जो भारत की प्रतिभा और नवाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार में लोगों के वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमृतकाल की दिशा में कदम बढ़ाया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के कारण सभी भारतीय वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और आज इन खातों में एक दशमलव पांच सात लाख करोड़ रुपए जमा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन करोड़ आवास को मंजूरी दी गई है जिसमें दो करोड़ से अधिक तैयार हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना सर थ्री क्रोर ऑफ हाउसेज अबीन सैंक्शन टू क्रोर हाउसेज है And therefore, Amrit Kaal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. कहा कि भारत में हर गांव का विद्युतीकरण किया गया है अब हर घर में हर गांव में बिजली है इसके साथ ही शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विकास सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है अर्बनाइजेशन इज बी गिवन हाई प्रायोरिटी tier 2 and tier 3 cities are all going to be ramped up for the facilities which they need capacity commission capacity building commission is also going to help us in plan and this is not just going to be business as usual it's going to be a paradigm shift in the way in which we deal with building our cities राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा जारी है विपक्ष ने आम बजट में सरकार पर गरीबों की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया है विपक्ष के सदस्यों ने दावा किया कि बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है किसानों की आय दुगनी होने की बजाय कृषि की लागत दुगनी हो गई है वही सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है की रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं स्टार्टअप के लिए नबार्ड अब फंडिंग करेगा फल सब्जी उगाने वाले किसानों को पैकेज मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को किस प्रकार से आगे किया जा सकता है पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खुलवा के फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जैम के द्वारा किसानों को सशक्त किया मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला एयरपोर्ट वाले को क्या मिला उससे मैं चिंतित नहीं हूं दे दीजिए ना सब कुछ लेकिन गरीब की थाली महफूज रखी गरीब की थाली छोटी होती जा रही है नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों से जुड़ी हुई खबरें साथ ही जानेंगे रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का बाजार पर क्या रहा असर और क्यों लगा विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध बने रहिए है टीवी के साथ Break के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं यहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने उनकी आगवानी की राष्ट्रपति 11 फरवरी को राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए इस अवसर पर उन्होंने लोगों से सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को संरक्षित रखने और उनका संवर्धन करने का आह्वान किया राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी इसके बाद बीजेपी के चार विधायकों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगरतला के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की प्रक्रियाओं की समीक्षा की उन्होंने दावा किया कि हेल्पलाइन नंबर से अब तक 80 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारपेटा सत्र के सत्राधिकारी वशिष्ठ देव शर्मा से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलछयाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी के मुरुगपकम शिल्प गांव में क्ले स्कल्पर पार्क का शुभारंभ किया साथ ही 40 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया पार्क में मिट्टी की कई मूर्तियां लगाई गई हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के सहयोग से एक लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है इस अभियान की शुरुआत नारायण औद्योगिक क्षेत्र के समीप पार्क में एक हजार पौधे लगाकर की गई है सुर साम्राजी लता मंगेश्वर की अस्थियां नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पवित्र रामकुंड में प्रवाहित की गई दिवंगत गायिका की बहन ऊषा मंगेशकर भतीजा आदिनाथ मंगेशकर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोडा घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच में सुनवाई हुई कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर आने पर रोक लगा दिया गया है कोर्ट ने कहा है कि शांति कायम करना सबसे ज्यादा जरूरी है मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी लखीमपुर हीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था एसआईटी ने 3 जनवरी को 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राजस्थान में हाईवे एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत सोहना से दौसा का कार्य मई तक पूरा हो जाएगा जिससे दिल्ली जयपुर की दूरी ढाई घंटे तक रह जाएगी राजस्थान की सीमा में तीन किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का कार्य अगले वर्ष फरवरी में पूरा होने की संभावना है इसके बाद कोटा से दिल्ली महज चार गति देने को लेकर प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार दसवीं बार कोई बदलाव नहीं किया है इसे चार प्रतिशत के निचले स्तर पर बरकरार रखा गया है नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा साथ ही आरबीआई ने मुद्रास्फीति की ऊंची दर के बीच नीतिगत मामले में उदार रुख को बरकरार रखा है यानी हाल फिलहाल नीतिगत दर में वृद्धि की संभावना नहीं है साथ ही रिवर्स रेपो दर को तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर यथावत रखा गया है आरबीआई ने वित्त वर्ष दो हजार के लिए आर्थिक वृद्धि दर सात दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ दर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. the marginal standing facility that is msf rate and bank rate remain unchanged at 4.25%. the reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. the mpc flagged the potential downside risks to economic activity from the highly contagious omicron variant. इस बीच नीतिगत ब्याज दरों को यथावत रखने के रिजर्व बैंक के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला बीएसई सेंसेक्स में 460 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि एन का निफ्टी एक बार फिर 17,600 अंक के स्तर को पार कर गया वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती मिली तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स लगातार तीसरे कारोबारी दिवस में बढ़त के साथ बंद हुआ केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें सात दिन के होम आइसोलेशन और आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है जारी संशोधित दिशा निर्देश चौदह फरवरी से लागू होंगे मंत्रालय ने अब जोखिम वाले देश की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार यात्रा से बहत्तर घंटे पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर को अपलोड करने के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है सभी यात्री अपने आगमन के बाद चौदह दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद की जांच दोनों में ही छूट दी गई है देश में कोविड 19 संक्रमित मामले लगातार घट रहे हैं और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 4.44 फीसदी हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल मिलाकर कोविड 19 की स्थिति बहुत आशावादी है लेकिन केरल और मिजोरम सहित कुछ राज्यों में अब भी संक्रमण दर अधिक है चार राज्यों केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु और कर्नाटक में पचास हजार अधिक सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए मामलों में कमी आने के बावजूद सभी को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए और सतर्क भी रहना होगा इक्कीस जनवरी को देश में तीन लाख सैतालीस हजार दो सौ चौवन केस एक दिन में रिपोर्ट हुए थे वह संख्या अब घटकर सड़सठ हजार चौरासी हो चुकी है यानी कि अब हम देख रहे हैं कि अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी जनवरी अब हमारा अस्सी प्रतिशत रिडक्शन केसेज ड्यूरिंग द डेली जो रिपोर्ट हुआ उसमें नोट किया जा रहा है देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सरकार ने कुछ अपवादों को छोड़कर विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है हालांकि अनुसंधान और विकास रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है लेकिन ऐसे आयात के लिए उचित मंजूरी की आवश्यकता होगी ड्रोन के साजो सामान के आयात के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर दस हजार फीट से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार हासिल किया है यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग तीन अक्टूबर दो को राष्ट्र को समर्पित की थी ब्रिटेन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है कोविड नाइन्टीन संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेश के खिलाफ न्यूजीलैंड में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के तीसरे दिन पुलिस ने वेलिंगटन में संसद भवन के बाहर सड़क पर डेरा डाले दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तारियां संसद के स्पीकर ट्रेवर मैलर्ट द्वारा सड़कों को बंद करने के दुर्लभ आदेश जारी किए जाने के बाद हुई प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही के लिए पुलिस ने देश के अन्य हिस्सों में तैनात लगभग सौ अतिरिक्त अधिकारियों को बुलाया हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों के खुद हटने का इंतजार करने के लिए तैयार लग रही थी क्योंकि अधिकारियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक लाइन बनाई और लोगों को जाने का आदेश दिया यूक्रेन संकट में कमी लाने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर डालने के मद्देनजर चर्चा के लिए रूस पहुंची ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के साथ बैठक की लिज ट्रस ने रूस को चेताया कि पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने के गंभीर परिणाम होंगे और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्होंने रूस से अनुरोध किया कि वह यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धता का पालन करें रूस ने यूक्रेन की सीमा के करीब एक लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती के साथ ही इस क्षेत्र में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है हालांकि रूस का कहना है कि उसकी अपनी पड़ोसी पर हमले की कोई भी योजना नहीं है और आज की खबर में फिलहाल इतना ही चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चेन्नई में खुले स्ट्रेस बस्तर रेस्टोरेंट के तस्वीरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी नमस्कार